हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र सिंह फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिनिशर्स, जहां पे हम कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक से लेके एडवांस तक का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हम कंप्लीट करने वाले हैं। आगामी HSSC एग्जाम्स के लिए या फिर आप KVS, PGT, TGT कंप्यूटर साइंस के लिए, DSSSB के लिए, ऑल ओवर इंडिया किसी भी एग्जाम के लिए अगर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अगर आपको कोई डेटा चाहिए तो आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाके आप अलग अलग प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं जिसमें हम पाइथन सीरीज चला रहे हैं, C++ सीरीज चला रहे हैं, नेटवर्किंग सीरीज चला रहे हैं, वहां पे जाके अपने एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। काफी डिमांड के बाद, काफी बच्चों के कॉल्स के बाद, काफी मैसेजेस के बाद आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम SQL या फिर SQL जिसको हम बोलते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो होती है, उसका कॉन्सेप्ट HSSC में बहुत बार पूछा जाता है और काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो NCERT को मद्देनजर रखते हुए मैं ये वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं। आप लोगों से सिर्फ मैं इतना चाहता हूं कि शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो को देखना, कोई भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। होता यह है कि जो भी पॉइंट हम छोड़ देते हैं एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो इससे हम्बल रिक्वेस्ट, पूरी वीडियो को देखना, वीडियो चाहे 1 घंटे की हो, वीडियो चाहे 2 घंटे की हो, पूरा SQL SQL का कॉन्सेप्ट हम इस एक वीडियो में करने वाले हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरी देखना वीडियो को, और आखिरी में अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझे बताना। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके। माँ सरस्वती का नाम लेके स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो, जिसमें हम कोशिश करेंगे पूरा का पूरा SQL का कॉन्सेप्ट सीखने। तो देखो, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज SQL, देखो बेसिकली मैं मोटा मोटा आपको बताता हूं होता क्या है। हम एक्सेल, आपने सुना होगा MS ऑफिस में एक्सेल होता है, एक्सेल में हम काम करते हैं, तो एक्सेल में भी हम डेटाबेस पे ही काम करते हैं, MS ऑफिस में भी हम डेटाबेस पे काम करते हैं, MS एक्सेस में भी हम डेटाबेस पे काम करते हैं, वहां भी हम रोज और कॉलम्स में काम करते हैं। आपने देखा होगा ये जो होती है आपकी, ये होती है रोज और ये जो होते हैं आपके होते हैं कॉलम, ऊपर से नीचे होते हैं कॉलम और लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट आपकी क्या होती है, रोज होती है। तो इन्हीं कॉलम्स और रोज में जहां पे एक रो और एक कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं, उस चीज को हम एक्सेल में बोलते हैं सेल, CELL, जिसमें हमारा डेटा डाला जाता है, फीड किया जाता है। लेकिन यहां पे हमें किसी भी कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। हम एक्सेल ओपन करते हैं, हमें जो भी डेटाबेस तैयार करना होता है हम तैयार करते हैं, हमें रो ऐड करनी होती है हम रो ऐड कर लेते हैं, कॉलम ऐड करना होता है कॉलम ऐड कर लेते हैं, रो डिलीट करनी होती है तो डिलीट कर देते हैं, कोई भी डेटा इंसर्ट करना होता है हम इंसर्ट करते हैं, कोई भी डेटा रिट्रीव करना होता है उसमें से कोई भी डेटा हमें लेना होता है तो हम वो डेटा भी ले लेते हैं। लेकिन यहां पे हमें कोई कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। यही काम जब किसी कोडिंग के थ्रू करना पड़ जाए, वहां पे हम जिस चीज का यूज करते हैं वो होती है SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। काम यही है, बस थोड़ी सी कोडिंग करनी पड़ती है, कमांड्स देनी पड़ती हैं जिससे हम टेबल्स की फॉर्म में हमारा डेटाबेस जो है वो तैयार करते हैं और उसके ऊपर हम काम करते हैं। बात अगर करें डेफिनेशन की, इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटाबेस। कोई भी हमारे पास डेटाबेस होता है, कोई भी हमारे पास जानकारी होती है, मान लीजिए एक क्लास है जिसमें 20 स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में हमारे पास जानकारी है, उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, उनकी क्लास का नाम, उनके सब्जेक्ट्स का नाम, वो हमारे पास उनका डेटाबेस है। तो उस डेटाबेस में से एक्सेस करना, यानी कि उस डेटाबेस पे कुछ काम कर पाना और उस डेटाबेस में मैनिपुलेटिंग कर पाना, मैनिपुलेट का मतलब होता है बदलाव, किसी चीज को, किसी डेटा को मैनिपुलेट कर पाना एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज की हेल्प से, जिसकी है, जिसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। SQL कमांड्स आर यूज्ड टू क्रिएट, बनाने के लिए काम आती है, ट्रांसफॉर्म चेंजेस करने के लिए काम आती है, रिट्रीव लेने के लिए काम आती है फ्रॉम RDBMS। RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
अब देखो रिलेशनल और नॉन रिलेशनल दो तरह के डेटाबेस होते हैं। जब मैं AWS या Amazon Web Services की सीरीज में जब हम डेटाबेस का कॉन्सेप्ट करेंगे फ्यूचर में जाके, तो वहां पे आप लोग इसको बहुत डीप से समझने वाले हो कि रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस एक्चुअल में होते क्या। देखो नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस जो होते हैं ना वो पहले यूज होते थे, अब भी यूज होते हैं पर पहले ज्यादा यूज होते थे, और रिलेशनल डेटाबेस अब ज्यादा यूज होते हैं। बेसिकली क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस में हम जो काम करते हैं वो रोज और कॉलम में करते हैं। हमारे डेटाबेस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के तोड़ के और हमारी टेबल की फॉर्म में हम उसमें फीड कर देते हैं। वही काम नॉन रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है कि ये सब चीजें हट जाती है, हम जैसे चाहे वैसे डेटाबेस को हमारे को तैयार कर सकते हैं। ये डिफरेंस होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑल्सो यूज टू क्रिएट इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड डेटाबेस। SQL लैंग्वेज में जब आप काम कर रहे होते हो किसी भी डेटाबेस पे, तो हम क्या हो गए, यूजर हो गए, और वो हो गया क्या हमारा डेटाबेस। उस डेटाबेस और यूजर के बीच में एक इंटरफेस बनाना, एक कनेक्शन बनाना, उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, SQL का यूज करते हैं। कोई भी कैन डू मेनी ऑपरेशंस, बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकता है SQL की हेल्प से। क्या क्या कर सकते हैं हम, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, हम ऐसा एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं SQL की हेल्प से। एड रिकॉर्ड्स, इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को हम एड कर सकते हैं। मॉडिफाई डेटा, डेटा के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे ए है, बी है, सी है, सी को निकाल देंगे, सी की जगह पे हम डी को डाल देंगे, तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। रिमूव रोज, ये जो रोज होती है, लाइनें होती हैं, इनको हम बाहर रिमूव भी कर सकते हैं। ड्रॉप टेबल, पूरी टेबल को हम ड्रॉप भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, एक्सेट्रा। ये सारे काम हम SQL की हेल्प से करते हैं। चलिए अब ये कुछ बातें हैं जो SQL की हेल्प से हम कर सकते हैं। SQL कैन रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस, डेटाबेस से कोई डेटा जो है वो बाहर लेके आ सकते हैं। इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन ए डेटाबेस, हम कोई रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर डाल सकते हैं। अपडेट रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड पहले से हमारे डेटाबेस में है उनको अपडेट कर सकते हैं। डिलीट रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स पहले से हमारे डेटाबेस में है उनको हम डिलीट कर सकते हैं। क्रिएट न्यू डेटाबेस, एक नया डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। क्रिएट न्यू टेबल्स, नया टेबल बना सकते हैं। क्रिएट व्यूज इन ए डेटाबेस, व्यूज का मतलब क्या है कि हमारे डेटाबेस के अंदर जो भी हमारा डेटा रखा गया है या हमने सेव किया हुआ है उसमें व्यूज क्रिएट कर सकते हैं, देखने के तरीके क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, किस किस तरीके से हम उस डेटाबेस को देख सकते हैं, वो सारे तरीके भी हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, SQL की हेल्प से कर सकते हैं। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो एक टेबल की फॉर्म में एक डेटाबेस को तैयार करना होता है, बनाना होता है, फिर उस डेटाबेस के अंदर डिलीट करना, इंसर्ट करना, रिट्रीव करना, ऐड करना, रोज को डिलीट करना, रोज को इंसर्ट करना, डेटा को बाहर निकालना, डेटा को अंदर डालना, अंदर डले हुए डेटा को अपडेट करना, मॉडिफाई करना, ये सारा का सारा एक टेबल के अंदर काम हम SQL की हेल्प से करते हैं। तो आइए अब एक एक करके इस SQL के जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट बनते हैं एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम एक एक करके देखते हैं। SQL का इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद जो हमारे पास आता है, दैट इज योर क्रिएट टेबल कमांड। टेबल को, ऐसी टेबल को बनाने के लिए क्या कमांड्स दी जाती हैं, कमांड भी बोल सकते हो, कमांड भी बोल सकते हो, दोनों ठीक है। क्या कमेंट्स दी जाती हैं, इन्हीं कमेंट से आपको कंफ्यूज करने के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आपको ये पता नहीं कैसा लग रहा होगा, बट अभी आपका ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो डेफिनेशन पढ़ता हूं, इट इज यूज्ड टू क्रिएट टेबल स्ट्रक्चर। एक टेबल का स्ट्रक्चर होता है, हम लाइफ में कोई भी कभी भी कैसी भी चीज बनाते हैं उसका एक स्ट्रक्चर होता है। सब्जी बनाते हैं उसका एक स्ट्रक्चर होता है, इतने प्याज कटेंगे, इतने टमाटर कटेंगे, इतनी हरी मिर्ची लगेगी, इतना पानी लगेगा, साइज इतना होना चाहिए सब्जी का कि चार लोग खा सकें। तो हर एक चीज बनाने का स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही टेबल बनाने का भी एक स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर होता है, टेबल के अंदर क्या क्या कॉलम होंगे, कॉलम किस तरह का होगा, एक कॉलम में नाम होंगे, एक कॉलम में उसके फादर नाम होगा, उसके एक कॉलम में उसकी मदर्स का नेम होगा, एक कॉलम में उसकी फीस होगी, एक कॉलम में उसका साइज लिखा जाएगा। तो ऐसे ही एक टेबल का स्ट्रक्चर होता है। तो क्रिएट टेबल कमांड का यूज हम करते हैं किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। We need to give full information about the table such as number of columns, type of columns and constraints. देखो constraints के आगे मैंने ये PK लिखा हुआ है। PK stands for primary key. ये जो primary key लिखा हुआ है वो PK, उसकी short form है।
नंबर ऑफ कॉलम से आप समझ गए होंगे कि हमें फुल डिटेल देनी पड़ती है कमांड में, कितने कॉलम होंगे, टाइप ऑफ कॉलम्स, किस किस तरह के कॉलम्स होंगे, एंड कॉन्स्टेंट्स ब्रैकेट में लिखा है प्राइमरी की। प्राइमरी की का जो यूज किया जाता है किसी भी डेटाबेस के अंदर, वो इसलिए किया जाता है कि हम उस प्राइमरी, जिस भी चीज को हम प्राइमरी की के इक्वल रखेंगे या जिस चीज को हम प्राइमरी की मान के चलेंगे, बाद में हम उस रिकॉर्ड में उस चीज को आसानी से ढूंढ सके, आइडेंटिफाई कर सके, इसलिए हम किसी एक चीज को प्राइमरी की के तौर पे यूज करते हैं। क्लियर? जो क्रिएट टेबल कमांड होती है वो रिक्वायर करती है नेम ऑफ द टेबल, हमें टेबल का नाम देना पड़ता है, नेम ऑफ द फील्ड्स, जो ये फील्ड्स हैं इनका नाम देना पड़ता है, डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स फॉर ईच फील्ड, हर एक फील्ड जिस भी फील्ड में एप्लीकेबल है उसमें कॉन्स्टेंट्स का, प्राइमरी की का कॉन्स्टेंट्स का हमें नाम देना पड़ता है, जिससे हम उनको ढूंढने में आसानी होती है, या हम डिफाइन करते हैं कॉन्स्टेंट्स। बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे दो तरह के कॉन्स्टेंट्स होते हैं हमारे पास, एक नोट नल होता है और एक प्राइमरी की होता है, दो कॉन्स्टेंट्स होते हैं सिक्वल में। नोट नल कॉन्स्टेंट का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे हमें ये डिफाइन करना हो कि इस तरह की फील्ड में हमें 10 तरह की सब्जी बनानी है, हमने प्याज को नोट नल के बराबर रख दिया, यानी कि 10 तरह की जो भी सब्जी बनेगी, कोई भी सब्जी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर प्याज ना हो, प्याज इक्वल टू हमें, हमने नोट नल के रख दिया कि भाई प्याज जो है वो नोट नल कॉन्स्टेंट के इक्वल रख दिया हमने, ध्यान रहे 10 की 10 सब्जी के अंदर प्याज तो आएगा ही आएगा, जहां पे प्याज ना आए वहां पे नोट नल लिख देना। क्लियर है? और ये होता है प्राइमरी की, टू चेक ए यूनिक आइडेंटिटी, हमें हमारी टेबल में हमारे डेटाबेस में किसी एक चीज को एक यूनिक अलग तरीके की आइडेंटिटी दे देते हैं बाद में, ताकि पूरे डेटाबेस जब बहुत बड़ा डेटाबेस हो जाए उसके बाद हम आसानी से उसको छांट सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। सेकंड कॉन्स्टेंट जो होता है वो प्राइमरी की होता है। पहला क्वेश्चन तो पूछा जाता है हाउ मेनी कॉन्स्टेंट्स आर इन सिक्वल लैंग्वेज, तो दो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, अगर ऑप्शन में 0, 1, 2, 3 हो तो दो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, चार ऑप्शन दिए हो जिसमें से एक नोट नल हो, एक में आइडेंटिटी लिख दिया, एक में क्लास लिख दिया, एक में कुछ और लिख दिया, तो नोट नल कॉन्स्टेंट होता है और एक प्राइमरी की कॉन्स्टेंट होता है, ये याद रखना, दोनों का पता लग गया आपको क्या होता है। तो अब सबसे पहले क्या था, नंबर ऑफ कॉलम्स, टाइप ऑफ कॉलम्स, कॉन्स्टेंट्स, ये सब हमें देना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें देना पड़ता है नेम ऑफ द टेबल, टेबल का नाम है, मान लो यहाँ पे हमने स्टूडेंट नाम लिख दिया हमारी टेबल का, ठीक है जी। फिर सबसे पहले हमें पहले कॉलम का नाम देना पड़ता है, ये पहला कॉलम है इसका नाम हमने देना दिया, हमने दे दिया पहले कॉलम में नेम। उसके बाद हमें लिखना पड़ता है उसका डेटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप हम उसमें यूज कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर के बाद जब डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट आएगा वहां पे इन डेटा टाइप्स को पढ़ेंगे हम। उसके बाद हमें उसका साइज देना होता है कि उस डेटा टाइप का साइज क्या है। उसके बाद हमें कॉन्स्टेंट देना पड़ता है कि कॉन्स्टेंट देना है नहीं देना वो हमारी मर्जी है, हम चाहते हैं कि इस फील्ड में नोट नल ना आए और ये फील्ड हमारी प्राइमरी की होनी चाहिए वो हमारे ऊपर होता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप किस तरह का है कॉलम, फिर उसका साइज और फिर उसका कॉन्स्टेंट। ऐसे ही जितने भी हमें एन नंबर्स के कॉलम जितने भी हमें बनाने होते हैं सबका यही होता है, सेम पैटर्न होता है, ठीक है। एक आ गया समझ में, सबसे पहले कॉलम का नाम, उसके बाद उसका डेटा टाइप, उसके बाद उसका साइज, उसके बाद उसका कॉन्स्टेंट। अब हमारे पास आया कि एक टेबल दी है हमें, ऐसे ही एग्जाम में हमें एक टेबल दे दी जाएगी, दो स्टूडेंट्स का, तीन स्टूडेंट्स का, या कोई भी हमारी डेटाबेस तैयार करके पेपर में दे दिया जाएगा। टीजीटी पीजी कंप्यूटर साइंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, एचएसएससी में एक बार आया है, ऐसी टेबल देके हमसे पूछेगा क्रिएट टेबल स्टूडेंट, इसकी कमांड बताओ क्या हो, ये जो टेबल बनी हुई है ना इसकी कमांड बतानी है हमें। तो देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, कॉलम नेम, तो हम क्या लिखेंगे कॉलम नेम, कॉलम नेम क्या है, कॉलम नेम है नेम, पहले कॉलम का नाम हमने क्या लिखा हुआ है नेम, कॉलम नेम के बाद क्या देना पड़ता है हमें डेटा टाइप। तो आपको पता है कि नाम जो होता है पाइथन में बात करें तो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, लेकिन सीक्वल में जब हम आते हैं तो यहाँ पे वी ए आर सी एच ए आर वार का डेटा टाइप का यूज होता है नाम को लिखने के लिए। कॉलम नेम दे दिया, डेटा टाइप दे दिया, और वार कार का साइज क्या हो गया 20 साइज होता है, आगे देखेंगे। उसके बाद देना होता है हमें कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट हमने दे दिया इसमें नोट नल की है, नाम किसी का भी हो नाम खाली नहीं जाना चाहिए, ये पहली हमारी रो की हो गई कमांड। दूसरी रो की कमांड क्या हो गई, कॉलम का नाम क्या है, इसमें डालेंगे हम फीस, कॉलम में हम फीस डालने वाले हैं,
आप लोगों को पता है फीस रुपीज में होती है, रुपीज किस में होते हैं, नंबर्स में होते हैं, तो कौन सा डेटा टाइप आ जाएगा, न्यूमेरिक डेटा टाइप आ जाएगा। उसके बाद साइज होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप का, वो 10.2 होता है, इसमें हम कोई कॉन्स्टेंट नहीं देना चाहते तो हम खाली छोड़ देंगे, ठीक है। तीसरी रो की कमांड क्या हो जाएगी, नाम क्या है, नाम है क्लास कॉलम का। क्लास कैसी होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये कैसे होते हैं, ये नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होती हैं, तो ये किस डेटा टाइप में आएंगी, न्यूमेरिक डेटा टाइप में आएंगी। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप हो गया, न्यूमेरिक डेटा टाइप का साइज 10.2, तो 10.2 हो गया। और इसको हमने रख दिया प्राइमरी की, प्राइमरी की हमने बना दिया हमारी क्लास वाले रो को, कि पूरे के पूरे डेटाबेस में मान लो 1000 स्टूडेंट्स का डेटा है, 1000 स्टूडेंट्स की क्लास लिखनी होगी, तो हमने क्लास को प्राइमरी की बना दिया, ताकि आसानी से हम पूरे डेटाबेस में से अगर हमें क्लास आइडेंटिफाई करनी होगी तो हम इजीली कर पाएंगे, ठीक है। ये था पहला टॉपिक, क्रिएट टेबल कमांड। एक टेबल दे दी जाएगी आपको एग्जाम में, या तो या इसमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस टेबल में जो डेटा दिया गया होगा रोज में कॉलम्स में, उसकी कमांड आपसे पूछी जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कॉलम, ये कॉलम्स होते हैं, ये रो होती है। तो कोई भी टेबल बनाने की कमेंट जो होती है, पहले कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, उसका साइज और उसका कॉन्स्टेंट। देखिए टेबल कमेंट, सेकंड टॉपिक इज इंसर्ट इनटू कमेंट, INSERTINTO, इंसर्ट इनटू कमेंट। इंसर्ट इनटू कमेंट का यूज हम करते हैं, हमारी जो एक टेबल हमने पहले बनाई थी क्रिएट टेबल कमेंट के साथ, अब उस टेबल को बनाने के बाद हमें उस टेबल्स में रोज को ऐड करना है, एक रो को ऐड करना है, उस रो के अंदर उसकी वैल्यूज को ऐड करना है, डेटा टाइप्स को ऐड करना है, हमारे डेटाबेस को ऐड करना है। लेकिन इंसर्ट इनटू कमेंट का यूज करके हम बट वन रो एट ए टाइम, एक बार में सिर्फ एक रो का डेटा हम डाल सकते हैं। सिंटैक्स होता है इंसर्ट इनटू कमेंट का, सबसे पहले लिखना होता है इंसर्ट इनटू, क्योंकि हम इंसर्ट इनटू कमेंट का यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमें टेबल का नाम लिखना होता है जिस टेबल के अंदर हमें वो रो ऐड करनी है। अब हमारे पास एक नहीं 10 टेबल है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें कौन सी टेबल में रो को ऐड करना है या कौन सी टेबल में डेटाबेस को ऐड करना है। तो उसके लिए हमें इंसर्ट इनटू के जस्ट बाद हमारी टेबल का नाम लिखना होता है, उसके बाद हमें कॉलम का नाम लिखना होता है अगर कॉलम्स ऐड कर रहे हैं तो, और उसके बाद हमें वैल्यूज ऐड करनी होती हैं कि हमें उसके बाद वैल्यू क्या क्या ऐड होंगी। सेम ऐसे ही इंसर्ट इनटू, फिर टेबल नेम, फिर हमें वैल्यूज ऐड करनी होती हैं। जैसे देखो यहाँ पे, अब अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा आएगा, दो स्टूडेंट्स का डेटा दिया है, उसका एडमिशन नंबर, उसका नाम, क्लास और सेक्शन दिया हुआ है, इंसर्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू द टेबल स्टूडेंट। हमने जो अब क्रिएट टेबल कमांड का यूज करके जो स्टूडेंट टेबल बनाई थी, उस टेबल के अंदर उसका नाम क्या था, हमने स्टूडेंट नाम रखा था टेबल का, इसमें मैं लिख देता हूं टेबल नेम। लास्ट तक उसी टेबल पे काम होगा हमारा, हर एक कमेंट हमारी उसी टेबल के हिसाब से चलेगी। तो हमने स्टूडेंट नाम की एक टेबल बनाई थी जिसके अंदर हमें बोला गया है कि ये अनु जैन और मोहित शर्मा नाम के दो स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन नंबर दिया हुआ है, क्लास दी हुई है और सेक्शन दिया हुआ है। ये डेटाबेस आपको उस स्टूडेंट टेबल के अंदर ऐड करना है, लेकिन एक बार में हम सिर्फ एक रो को ही ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाली रो को ऐड करने का जो सिंटैक्स होगा वो क्या होगा, हमें लिखना है इंसर्ट इनटू टेबल नाम क्या है, स्टूडेंट। उसके बाद कॉलम नाम हमने पहले ही डिफाइन किया हुआ था, तो दोबारा से हमें कॉलम का नाम डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें डालनी है वैल्यूज, तो सबसे पहले वैल्यू क्या है 111, उसके बाद वैल्यू क्या है अनु जैन, उसके बाद वैल्यू क्या है 12, उसके बाद वैल्यू क्या है 8, और हम कर देंगे इसको क्लोज। ये हमारी एक रो हो गई इंसर्ट हमारे स्टूडेंट वाले टेबल में। ऐसे ही सेकेंड रो को इंसर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्टूडेंट। अब क्या आएंगी, वैल्यूज आएंगी, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। तो पहली वैल्यू क्या है 112, उसके बाद क्या है मोहित शर्मा, उसके बाद क्या है 11 उसकी क्लास, और उसके बाद उसका सेक्शन बी। ये दो रो हमने डाल दी कौन किसमें, हमारे स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर, उनका हमने कमेंट लिख दिया, जिससे कि ये दिया हुआ जो डेटाबेस था ये अब हमारा उस स्टूडेंट वाले टेबल में ऐड हो जाएगा जो हमने क्रिएट कमांड का यूज करके टेबल क्रिएट की थी।
तो हमने टेबल को क्रिएट करने की कमेंट सीख ली है, और अब उस टेबल में हमें इंसर्ट कैसे करते हैं हर रोज वो हमने सीख लिया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कमेंट जो होती है वो होती है आपकी सिलेक्ट कमेंट। सिलेक्ट कमेंट का यूज किया जाता है सीक्वल में किसी भी टेबल के अंदर से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। अगर कोई टेबल दी होती है या हमने कोई टेबल बनाई है, उस टेबल के अंदर से हमें स्पेसिफिक एक ये हमने डेटाबेस तैयार किया था, इसके अंदर से हमें इस कैप की इंफॉर्मेशन चाहिए है, तो हम सिलेक्ट कमांड का यूज करके इस कैप की इंफॉर्मेशन उस टेबल के अंदर से निकाल सकते हैं, उस डेटाबेस के अंदर से निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो एक टेबल का एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक टेबल बनाता हूं मैं जिसमें मैं नाम डालता हूं, क्लास डालता हूं, रोल नंबर डालता हूं और सेक्शन डाल देता हूं। ठीक है जी, हम एक टेबल बनाते हैं, यहां पे मैंने मान लो राज डाल दिया और यहां पे मैंने डाल दिया सिमरन। ये डीडीएलजे वाले नहीं है, ये लोकल है। राज क्लास में पढ़ता है फर्स्ट क्लास में और सिमरन पढ़ती है 12th क्लास में। देखो गैप बहुत हो गया, तो कोई चांस है नहीं। तो रोल नंबर इसका हो गया फर्स्ट और इसका हो गया 51 और सेक्शन इसका हो गया ए और इसका हो गया जेड। ये हमने कोई टेबल बनाई जिसके अंदर हमने कोई डेटाबेस डाला। अब हम सिलेक्ट कमांड का यूज करके इसके अंदर से कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो कैसे लेंगे? तो हमें लिखना होता है, यहां पे लिखता हूं मैं SELECT, सिलेक्ट लिखा। हमें इंफॉर्मेशन चाहिए नेम के बारे में, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए सेक्शन के बारे में, कि भाई फलानी टेबल से नाम और सेक्शन के बारे में हमें पता करना है। कहां से? FROM स्टूडेंट टेबल से। इस टेबल का नाम हमारी का जा रहा वो है स्टूडेंट टेबल नेम है, स्टूडेंट नाम है हमारी इस टेबल का, स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। तो सिलेक्ट ब्रैकेट के अंदर नेम और सेक्शन फ्रॉम इस टेबल से, ये नेम वाली जो फील्ड है और सेक्शन वाली जो फील्ड है, क्योंकि सिलेक्ट के बाद हमें फील्ड सिलेक्ट करनी होती है और फ्रॉम के बाद हमें टेबल का नाम सिलेक्ट करना होता है। जैसे ही हम ये कोडिंग या ये कमेंट लिखते हैं तो हमारे पास आता है राज ए और सिमरन जेड, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास निकल के आ जाएगी। ये राज जो है वो ए सेक्शन में पढ़ता है और सिमरन जो है वो जी या जेड सेक्शन में पढ़ती है। ये होती है आपकी सिलेक्ट कमेंट किसी भी टेबल के अंदर से कुछ इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करके बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इन SQL इज ऑपरेटर्स। हम पाइथन के ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं, हम C++ के ऑपरेटर्स भी पढ़ चुके हैं। आने वाले टाइम में जावा की जब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे वहां पे भी हम ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। जहां तक मैंने देखा है ऑपरेटर्स हर जगह पे सेम काम करते हैं, बस जिस चीज पे वो काम करते हैं वो चीजें बदल जाती हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग में कोई कोडिंग होती है, डेटास को आपस में जोड़ना होता है, घटाना होता है। सीक्वल में आने के बाद टेबल्स की फॉर्म में वो ऑपरेटर्स काम करने लग जाते हैं, टेबल्स के ऊपर काम करने लग जाते हैं। ऐसे ही C++ में वो अलग अलग चीजों पे अलग अलग हमारे सिचुएशंस होती हैं, वहां पे वो ऑपरेटर्स काम करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके आते हैं इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक में आपका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एडिशन सब्स्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब यहां पे सीक्वल में कैसे काम करेंगे ये ऑपरेटर्स? देखो मान लो हम क्या करते हैं, नेम की फील्ड बनाते हैं एक, यहां पे फर्स्ट नेम की फील्ड बनाता हूं मैं, यहां पे सरनेम की फील्ड बनाता हूं मैं, ठीक है। यहां पे हम एक और फील्ड बना लेते हैं, मान लीजिए उसका रोल नंबर बना लेते हैं, और यहां पे उसका क्लास अब बना लेते हैं। हम कोई टेबल बनाते हैं या हमारे पास कोई टेबल है और ऑपरेटर्स की हेल्प से हमें इसमें से कुछ ऊपर नीचे करना है। तो देखो फर्स्ट नेम हम मांग लेते हैं उसका था राज, सरनेम उसका है सिंह, सेकंड नेम हम यहां पे ले लेते हैं सिमरन, और यहां पे हम ले लेते हैं कोर। इसका रोल नंबर हम ले लेते हैं मान लो 10 और इसका रोल नंबर ले लेते हैं 20, इसकी क्लास भी ले लेते हैं 10 और इसकी क्लास हम ले लेते हैं मान लो 10 ही ले लेते हैं, ठीक है जी।
एक ही क्लास के दो बच्चे जिसका पहला नाम राज, लास्ट नेम उसका सिंह है, इसका फर्स्ट नेम सिमरन, इसका लास्ट नेम कौर है, रोल नंबर है उनके 10 और 20, क्लास है उनकी 10th, दोनों 10th क्लास में। अब हमें प्लस ऑपरेटर का यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे, SELECT। सिलेक्ट करेंगे हम किसको, हम सिलेक्ट करेंगे एफ नेम, फर्स्ट नेम, प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे और सब नेम। सिलेक्ट कमांड का यूज करके एफ नेम प्लस ऑपरेटर का यूज कर दिया सर नेम, फिर हम क्या करेंगे, वेयर कहां से, तो हमारी टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, हमारी स्टूडेंट टेबल से वहां पे हमें प्लस ऑपरेटर का यूज करके आउटपुट चाहिए, पहला नाम प्लस दूसरा नाम एक साथ चाहिए। इस टेबल में तो ये अलग अलग लिखे हुए हैं, इस बॉक्स में सिमरन लिखा हुआ है, इस बॉक्स में कोर लिखा हुआ है, लेकिन हमें एक साथ चाहिए, तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, राज सिंह, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिमरन कौर एक साथ आ जाएगा। तो हमने क्या किया, टेबल के अंदर सिलेक्ट कमांड का यूज करके प्लस ऑपरेटर का यूज किया दोनों को एक साथ करने के लिए। ऐसे ही सेम कमांड का यूज करके माइनस करवाना चाहते हैं, मान लो हम सिलेक्ट क्लास माइनस रोल नंबर, तो क्लास क्या है 10, रोल नंबर क्या है 10, तो पहले का आंसर क्या आ गया 0, दूसरी क्लास है 10, रोल नंबर है 20, तो दूसरे का आंसर क्या आ गया -10। ऐसे ही मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, मान लो क्लास और रोल नंबर को मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, तो 10 × 100 पहले का आंसर आ जाएगा, 20 × 200 दूसरे का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही डिवाइड करवाना चाहते हैं, तो सेम डिवीजन का पैटर्न होता है। तो किसी भी टेबल के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज होता है सिलेक्ट कमांड का यूज करके और वेयर का यूज करके। वेयर की जगह पे आप फ्रॉम का यूज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट। अब अरिथमेटिक के बाद आपके सेकेंड जो आते हैं वो आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो कंपैरिजन में क्या होता है, इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, मैं जी देन लिख रहा हूं ग्रेटर देन को, और लेस देन लिख रहा हूं एल देन को। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और आपका एक्सक्लेमेशन इज इक्वल टू होता है नॉट इक्वल टू। तो ये क्या होते हैं, आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। एक टेबल के अंदर दो चीजों के बीच में कंपैरिजन अगर हमें करवाना होता है तो वहां पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। मान लो ऐसे ही कोई एक टेबल दी हुई है जिसमें नाम लिखे हुए हैं, क्लास लिखी हुई है, रोल नंबर लिखे हुए हैं, सेक्शन लिखे हुए हैं, और एक टेबल बनी हुई है। तो अब इस टेबल के अंदर जो ये फील्ड्स हैं, जो भी हमारा डेटाबेस है, अगर हमें किन्हीं दो चीजों को आपस में इक्वल करवाना होता है, तो LECT सिलेक्ट, उसके बाद नेम, और मान लो क्लास के बीच में हमें कुछ कराना है तो इक्वल टू का साइन रख दिया, SELECT, उसके बाद हमें रोल नंबर और सेक्शन के बीच में मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू निकालना है, तो रोल नंबर और सेक्शन जितने भी होंगे उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू निकल के हमारे पास आ जाएंगे। ऐसे ही लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का यूज आप लोग करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर, क्लियर है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बाद आपके होते हैं इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं मान लो एंड, और नॉट, आप लोगों को पता है एंड और नॉट। किसी टेबल के अंदर अगर हमें एक ये फील्ड है एक ये फील्ड है, दोनों फील्ड से मिला के कोई रिजल्ट निकलवाना है, तो हम किसका यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे। एक फील्ड ये है एक फील्ड ये है, या तो इस फील्ड से आंसर आ जाए या इस फील्ड से आंसर आ जाए, किसी भी एक से आंसर आ जाए तो हम किसका यूज करेंगे, और का यूज करेंगे। ना ही हम इस फील्ड से चाहते हैं ना ही हम इस फील्ड से चाहते हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। और एक बात, नॉट का आप लोगों को पता है पाइथन के अंदर नॉट का जहां पे यूज होता है तो आंसर चेंज हो जाता है, ट्रू आंसर आया है तो आंसर फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स आंसर आता है तो आंसर ट्रू हो जाएगा। तो एंड और नॉट ऑपरेटर का सिक्वल के अंदर यूज होता है। एक टेबल के अंदर दो फील्ड हैं,
आप दोनों फील्ड से मिला के कंबाइन रिजल्ट चाहते हो, तो एंड दोनों फील्ड से आप चाहते हो या तो इसकी हेल्प से या इसकी हेल्प से, दोनों में से कोई एक भी हमें रिजल्ट दे दे तो ओरता यूज करते हैं। और हमें किसी से भी भरोसा नहीं होता कि ना तो हमें ये फील्ड आंसर दे सकती है ना हमें ये फील्ड आंसर दे सकती है, तो हम नॉट का यूज करते हैं। अब ये तो हो गए कंबाइन ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एक साथ देखे हैं हमने, कंपैरिजन ऑपरेटर्स एक साथ देखे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स एक साथ देखे हैं। अब एक दो ऑपरेटर्स होते हैं वो थोड़े से अलग किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं, वो बोलते हैं नहीं हमें तो भाई अलग से पढ़ाओ तब हम समझ में आएंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बिग बॉस अगर आप लोग देखते होंगे तो, या कोई भी रियलिटी शो होता है उसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, पहले से कुछ कंटेस्टेंट होते हैं फिर बीच में एकदम से किसी की एंट्री हो जाती है, वो जाके उनको कंपटीशन देता है क्योंकि वो बाहर से सीख के आया होता है सारी चीजें। तो ऐसे ही लॉजिकल अर्थमेटिक कंपैरिजन ऑपरेटर सिक्वल में पहले से होते हैं। अब आती है वाइल्ड कार्ड एंट्री की बारी, जो हम वाइल्ड कार्ड देखेंगे ऑपरेटर की मैं बात कर रहा था, वो वाइल्ड कार्ड पहला ऑपरेटर होता है LIKE, लाइक ऑपरेटर, एक होता है इन ऑपरेटर और एक होता है BETWEEN, बिटवीन ऑपरेटर। ये तीन जो होते हैं ये वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स होते हैं, ये अलग अलग काम करते हैं, ये किसी एक ग्रुप में नहीं आते, अर्थमेटिक लॉजिकल कंपैरिजन ऐसे किसी ग्रुप में नहीं आते। तो देखो होता क्या है, हमारे पास जो स्टूडेंट्स की एक टेबल थी जहां पे स्टूडेंट्स का नाम, स्टूडेंट्स के सेक्शन, स्टूडेंट्स की फीस और ये सब डेटा था हमारे पास। तो लाइक ऑपरेटर क्या करता है, यूज टू सर्च ए वैल्यू सिमिलर टू स्पेसिफिक पैटर्न इन ए कॉलम यूजिंग वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर। दो हमारे पास होते हैं लाइक ऑपरेटर में, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक परसेंटेज होता है और एक अंडरस्कोर होता है। परसेंटेज जो हमें आउटपुट में वैल्यू देता है वो या तो जीरो के बराबर देता है या एक के बराबर देता है या फिर मल्टीपल कैरेक्टर्स भी वो दे सकता है हमें आउटपुट में, या मल्टीपल एक से ज्यादा करेक्टर्स के साथ वो काम करता है। जबकि अंडरस्कोर जो होता है वो सिर्फ सिंगल करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अनु, ANU, अनु नाम में तीन करेक्टर्स हैं, लेकिन अगर हम अंडरस्कोर का यूज करेंगे तो सिर्फ एक करेक्टर शो होगा, परसेंटेज का यूज करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे करेक्टर शो होंगे। कैसे, सिंटेक्स जो होता है हम लिखते हैं सिलेक्ट नेम, हमने नाम को सिलेक्ट किया है टेबल में से, किस टेबल में से, स्टूडेंट टेबल में से, वेयर नेम LIKE ऑपरेटर का यूज किया, हमने लिखा ए और परसेंटेज कि हमारी टेबल में ए नाम से जितने भी करेक्टर्स हैं वो हमें आउटपुट में चाहिए। तो हमारी टेबल में अन्नू ए से नाम था तो परसेंटेज इस एक करेक्टर पे काम करेगा, इस JAIN में इस ए पे काम करेगा और नंदनी में एक ए है तो इस पे भी काम करेगा। तो जहां जहां पे ए आएगा वो डेटा हमें निकाल के दे देगा, कौन, हमारा परसेंटेज। वहीं अगर हम यहां पे अंडरस्कोर करें इस ए परसेंटेज की जगह पे, मान लो मैं ये 1 2 3 4 5 6 7 इनको मिला दे, एक अंडरस्कोर बना देता हूं और फिर मैं अगर स्टूडेंट टेबल में से डेटा निकालने की कोशिश करता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं ए, तो एक ऐसा नाम है जिसमें ए भी है और जिसमें 7 करेक्टर्स हैं, NANDINI, ये 7 करेक्टर्स हैं जिसमें एक करेक्टर को एक अंडरस्कोर शो कर रहा है, लेकिन मैं एक बड़ा अंडरस्कोर लगाता हूं तो सबसे बड़ा नाम, सबसे ज्यादा करेक्टर जिस नाम में है वो नंदिनी में है, 7 करेक्टर्स हैं तो 7 अंडरस्कोर यहां पे काम करेंगे। तो मतलब कहने का क्या है, बड़ा अंडरस्कोर लगाता हूं तो हमें बड़ी वैल्यू मिलती है और परसेंटेज यूज करता हूं तो हमें एक से ज्यादा सेम करेक्टर्स, एक से ज्यादा जहां भी होंगे वो नाम हमें मिल जाएगा। दूसरा आता है इन ऑपरेटर। इन का मतलब क्या है कि मान लो यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे नेम की जगह पे मैं क्लास यूज करता हूं, यहां पे सेक्शन है क्लास ए, सेक्शन है बी, सेक्शन है ए, दो सेक्शन है, तो क्लास यहां पे मैं लिखता हूं ए कोमा और बी, यानी कि ए और बी सेक्शन के अंदर या क्लास अलग, ए और बी क्लास के अंदर हमने नाम को सिलेक्ट किया है। तो अगर यहां पे इन में लिख देता हूं क्लास और यहां पे अगर मैं इन लिख देता हूं तो ए और बी के अंदर जितने भी स्टूडेंट होंगे सबका डेटा हमें मिल जाएगा इन ऑपरेटर का यूज करके। तो हमारे पास दो स्टूडेंट थे तो हमें दोनों स्टूडेंट्स का नाम वहां पे आउटपुट में मिल जाएगा। अब मान लो एक स्टूडेंट फीस दे रहा था 1200, एक स्टूडेंट फीस दे रहा है 2000, एक स्टूडेंट की फीस है 1200, एक स्टूडेंट की फीस है 2000, तो यहां पे मैं वेयर बिटवीन का यूज करूंगा, ऑपरेटर का यूज करूंगा, बिटवीन यहां पे लिखूंगा 1200
और 2000। अब 1200 और 2000 के बीच में 1300, 1400 जितने भी हमारे पास संख्याएं होंगी, जितने भी हमारे पास डेटा होगा, वो सारा का सारा 1200 से 2000 के बीच में हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। ये काम होता है बिटवीन ऑपरेटर का। एक चीज में से, इसमें से और इसमें से हमें चीजें निकालनी है, इन दिस तो हम इन ऑपरेटर का यूज करते हैं, परसेंटेज का यूज करते हैं हम एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को लेने के लिए, अंडरस्कोर का यूज करते हैं सिंगल कैरेक्टर के लिए। ये होते हैं आपके वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स। क्लियर है? आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी, साथ साथ आप नोट्स भी बना रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रही होंगी। ऐसे ही बने रहिए, सिक्वल का पूरा कॉन्सेप्ट आपका आज क्लियर होने वाला है। हम बढ़ते हैं हमारे जो होता है सिक्वल के अंदर, वो होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनकी मदद से हम हमारे टेबल के अंदर तरह तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाते हैं, जैसे कि सम कर पाते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाते हैं, मिनिमम वैल्यू निकाल पाते हैं, काउंट कर पाते हैं, एवरेज निकाल पाते हैं। काउंट जो यूज होता है वो होता है रोज को काउंट करने के लिए, कि टोटल रोज कितनी है स्पेसिफिक उस चीज के लिए। यहां पे भी हम जिस चीज का यूज करते हैं, कमेंट का यूज करते हैं, वो सिलेक्ट कमेंट का यूज करते हैं। सिलेक्ट सम करेंगे या फिर सिलेक्ट मैक्सिमम करेंगे या फिर सिलेक्ट मिनिमम करेंगे या फिर सिलेक्ट एवरेज करेंगे या फिर सिलेक्ट काउंट का यूज करेंगे। मान लो हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, उसमें डेटा है बहुत सारा, एक दो तीन चार पांच छह रो है, ये 10 रुपए फीस देता है, ये 20 रुपए फीस देता है, ये 30 रुपए, ये 40 रुपए, ये 50 रुपए और ये 60 रुपए। तो अगर हम सिलेक्ट सम करते हैं वेयर फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम है स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल में से हम सिलेक्ट सम करते हैं तो 60 और 50 110, 150 और 30 180, 200 210, टोटल आंसर आ जाएगा हमारे पास 210 जब हम सम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे किसी भी टेबल के अंदर। और यहां पे फीस भी, हम यहां पे फीस लिखते हैं तो वहां पे हमें फीस भी लिखनी होती है, सम से पहले फीस लिखनी होती है। सिलेक्ट मैक्सिमम करेंगे स्टूडेंट टेबल के अंदर तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 60 आ जाएगी, सबसे ज्यादा कौन दे रहा है, 60 वाला दे रहा है। जब सिलेक्ट मिनिमम करेंगे तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 10 आ जाएगी, क्योंकि मिनिमम फीस कितनी है, 10 है। एवरेज करेंगे तो टोटल 3 और 3 6 स्टूडेंट हैं, टोटल 210 आया था, 210 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। काउंट फंक्शन का यूज होता है नंबर ऑफ रोज काउंट करने के लिए, तो काउंट फंक्शन जब हम सिलेक्ट काउंट करेंगे टोटल स्टूडेंट के अंदर से, स्टूडेंट टेबल के अंदर से, तो टोटल हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा 6, क्योंकि 6 स्टूडेंट हैं जिनका डेटा हमें दिया गया है। ये होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस जिनकी मदद से हम टेबल के अंदर सम कर पाते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाते हैं, मिनिमम वैल्यू निकाल पाते हैं, एवरेज निकाल पाते हैं और नंबर ऑफ रोज को काउंट करके निकाल पाते हैं। छोटा सा टॉपिक है एग्रीगेट फंक्शंस का और यही एग्रीगेट फंक्शन सिक्वल के अंदर यूज होते हैं टेबल के अंदर से तरह तरह के इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। बाय। अब सिक्वल के अंदर अभी हमने देखा था एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उन्हीं से आगे का जो काम होता है वो ग्रुप बाय क्लोज का होता है। ग्रुप बाय एक क्लोज होता है जहां पे जो भी एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, सम हो गया, काउंट हो गया, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज, जो भी एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, अगर उन्हें एक साथ काम करना हो या ग्रुप में काम करना हो, वहां पे हम इस ग्रुप बाय क्लोज का यूज करते हैं। इट इज ए क्लोज विच इज यूज्ड व्हेन वी नीड एग्रीगेट फंक्शंस वर्क इन ए ग्रुप। अब मान लो एक टेबल है हमारे पास जिसमें डेटा है फर्स्ट क्लास का और सेकंड क्लास का। फर्स्ट क्लास में एक ए नाम का स्टूडेंट है, एक बी नाम का स्टूडेंट है, एक सी नाम का स्टूडेंट है। सेकंड क्लास में ई नाम का स्टूडेंट है, एफ नाम का स्टूडेंट है, जी नाम का स्टूडेंट है। टोटल हमारे पास 6 स्टूडेंट है, हमारे पास टोटल 2 क्लास है। हम चाहते हैं दोनों क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास आ जाए ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करके। तो हमने सिलेक्ट किया क्लास को, कौन सी को, पहली को, दूसरी को, पहली और दूसरी क्लास को सिलेक्ट किया फ्रॉम स्टूडेंट टेबल का नाम है स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल में से ग्रुप बाय क्लास होना चाहिए। तो हमारे पास जो आउटपुट में आएगा वो आएगा ए बी सी ई एफ और जी। हमने एक साथ दोनों क्लास के सारे स्टूडेंट्स का डेटा निकालना चाहा और या फिर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आएंगे, 6 आएंगे। ये होता है ग्रुप बाय क्लोज, जहां पे जो भी एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं उनको एक ग्रुप में काम अगर करना होता है
टोटल वैल्यू निकाली, टोटल एवरेज निकाली, दो क्लास तीन क्लास के स्टूडेंट्स की, दो क्लास तीन क्लास के स्टूडेंट्स में से मैक्सिमम वैल्यू निकाली, दस क्लास के स्टूडेंट्स में से मिनिमम वैल्यू निकाली, दस क्लास के स्टूडेंट्स की टोटल रोज को पता कर लिया और एक ग्रुप बना दिया। ये काम होता है ग्रुप बाय। सो स्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो के आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं, जहां पे हमने एनसीईआरटी बेस्ड एसक्यूएल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है। उसमें से एक दो बातें जो बची हुई हैं वो हम अभी रिवीजन के टाइम पे पढ़ेंगे। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी है। तो चलिए एक रिवीजन करते हैं अब तक हमने जो किया है उसके ऊपर। सबसे पहले हमने सीखा था क्रिएट टेबल कम है, जिसमें हमने टेबल को क्रिएट किया था, जहां पे हमने कॉलम्स के नाम डालना सीखा था, कॉलम्स की वैल्यू डालना सीखी थी और कितने कितने कॉलम बनाने हैं वो हमने देखा था। तो क्रिएट टेबल कमेंट का यूज करना हमने देखा। सेकंड, अल्टर टेबल का यूज हमने वैसे नहीं देखा, बट अल्टर टेबल का यूज आप सिलेक्ट के साथ करेंगे, सिलेक्ट एंटर। इससे क्या होता है, इंप्लीमेंट स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन। जो एक टेबल दी होती है हमारे पास, मान लो उस टेबल का एक स्ट्रक्चर है जिसमें स्टूडेंट्स का नाम है, स्टूडेंट्स के फादर नेम है, स्टूडेंट का मदर नेम है, स्टूडेंट की क्लास है, सेक्शन है, स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है। उस डेटा के अंदर कुछ भी चेंज अगर आपको करना है, मॉडिफिकेशन अगर आपको करनी है, तो आप सिलेक्ट अल्टर टेबल का कमेंड का यूज करेंगे। ड्रॉप टेबल का यूज आप सिलेक्ट के साथ कर सकते हैं। आपके पास पांच टेबल्स हैं, फाइनल डेटाबेस आपका तैयार हो गया है, पांच में से एक टेबल जो है वो आपके किसी काम की नहीं है, तो आप ड्रॉप टेबल कमेंड का यूज करके आप एक टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। क्लियर। इंसर्ट इनटू हमने देखा, यूज टू इंसर्ट वैल्यूज इन ए रो। एक रो के अंदर हमें इंसर्ट किया वैल्यूज को, इंसर्ट इनटू का फंक्शन का यूज करके, कमेंड का यूज करके वैल्यूज इंसर्ट किए, उसके अंदर डेटा टाइप्स इंसर्ट किए, साइज इंसर्ट किया, ये सारी चीजें हमने देखी थी। सिलेक्ट कमेंड का यूज करके हमने देखा कि रो और कॉलम की इंफॉर्मेशन को कैसे डिस्प्ले किया जा सकता है। हमने हर चीज के आगे सिलेक्ट 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 हम लगा रहे हैं, जिससे कि हम इंफॉर्मेशन लेते जा रहे हैं, रिट्रीव करते जा रहे हैं टेबल में से, रो और कॉलम में से। नेक्स्ट है आपका डिस्टिंक्ट, टू सिलेक्ट डिफरेंट इंफॉर्मेशन। एक टेबल है मान लो ये, जिसके अंदर तरह तरह की इंफॉर्मेशन दी हुई हैं, स्टूडेंट्स के नाम भी हैं, स्टूडेंट्स की क्लास भी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो एक जगह पे हमें स्टूडेंट का नाम चाहिए, फिर हमें स्टूडेंट का फादर नेम चाहिए, फिर हमें स्टूडेंट की क्लास चाहिए, तो एक से ज्यादा अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को पाने के लिए, टेबल में से निकालने के लिए हम जिस फंक्शन का यूज करते हैं, दैट इज डिस्टिंक्ट फंक्शन, और उसको हम सिलेक्ट के साथ ही यूज करते हैं। और इसके साथ हमने सम देखा, एवरेज देखा, मैक्सिमम देखा, मिनिमम देखा, काउंट देखा, एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगी आने वाले एचएसएससी के एग्जाम्स में, और बहुत मेहनत की है ये वीडियो बनाने में। तो आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां भी हो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना। एक ही वीडियो में आपको सीक्वल का पूरा कॉन्सेप्ट मिल रहा है, सो आपने अच्छे से देखा होगा। कोई भी डाउट अगर रहा है, या आगे आप किस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट एक ही वीडियो चाहते हैं, वो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और अगर पसंद आई तो भी बताना कमेंट करके, या कुछ छूट गया है तो भी कमेंट करके बताना, और लाइक जरूर करना वीडियो को। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखी है। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे गाइज, नमस्ते, राम।